जलाओ वो समाज जिसे आंधी बुझा ना सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई मिटा ना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल प्रशिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी क्वालिफाई सभी कैंडिडेटों के लिए खुशखबरी आ रही है। अगर आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, और आपको लगता है कि एचएससी की जो भी जानकारी होती है वो हमारे चैनल के ऊपर विश्वास के साथ सबसे पहले आप तक पहुंचाई जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, एक चैनल आपका ऐसा जरूर होना चाहिए जिसके ऊपर आप लगातार अपडेट रह सकें, क्योंकि ये मुद्दा ही ऐसा है। 26 तारीख को जब एचएससी ने नोटिस जारी किया था तो सभी कैंडिडेटों तक सीईटी प्रेफरेंस की खबर पहुंचाई गई थी, लेकिन फिर भी कैंडिडेटों तक यानी कि सीईटी क्वालिफाइड 3,20,000 कैंडिडेटों तक ये खबर नहीं पहुंची, या फिर क्या कारण रहा वो सीईटी प्रेफरेंस ही नहीं भर पाए, या तो उनको कंफर्म नहीं हुआ कि सीईटी प्रेफरेंस हमें भरनी है या नहीं भरनी। अब साथियों, एचएससी ने जो बड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक का जो समय दिया गया था उसमें 1,55,000 के लगभग कैंडिडेटों ने सीईटी की जो प्रेफरेंस है वो भरी थी, लेकिन किस पोस्ट के लिए कौन सी प्रेफरेंस भरनी है लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहे हैं। आपके लिए बेस्ट कौन सी पोस्ट रहेगी जिसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं या सेकंड प्रायोरिटी दे सकते हैं, नंबर वाइज साथियों हमने वीडियो बनाकर बता रखा है, आप चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अब साथियों, आयोग ने बार बार अपडेट दिया था कि 9 अक्टूबर तक जिन कैंडिडेटों को करेक्शन है यानी कि जिन्होंने साइन करके अपलोड नहीं किया या फिर कोई और कोई गलती रह गई थी, उनको 9 अक्टूबर तक का समय दिया था। 9 अक्टूबर यानी कि आज के बाद कल एचएससी की तरफ से एक और नोटिस जारी किया जाएगा, और ये नोटिस होगा साथियों सीईटी प्रेफरेंस को लेकर, यानी कि आयोग ने बड़ा फैसला कर लिया है। जिस फैसले का सीईटी क्वालिफाई युवाओं का इंतजार था, वो फैसला ये है कि कल से दोबारा से पोर्टल ओपन होगा सीईटी प्रेफरेंस के लिए, और जो बचे हुए युवा हैं उन सभी को सीईटी प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा। पहले जिन्होंने भर दी है उनकी कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने नहीं भरी है सीईटी प्रेफरेंस वो कैंडिडेट भर सकते हैं। पहले वालों को साथ दोबारा उसमें एडिटिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो कैंडिडेट नए जिन्होंने नहीं भरी है वो कैंडिडेट सीईटी की प्रेफरेंस भर सकते हैं, कल से ये पोर्टल दोबारा ओपन होगा। लेकिन अब जो भी कैंडिडेट 3,20,000 में से जिन्होंने सीईटी की प्रेफरेंस नहीं भरी थी वो भर ले, क्योंकि इसके बाद और मौका नहीं दिया जाएगा। एचएससी की तरफ से एक बड़ा फैसला युवाओं के पक्ष में लिया गया है, क्योंकि 2 अक्टूबर तक मात्र 1.5 लाख यानी कि आधे से भी कम युवा थे जिन्होंने सीईटी की प्रेफरेंस भरी थी, तो काफी युवाओं को राहत मिली है। अगर आपको ऐसे ही और बेहतरीन अपडेट चाहिए तो आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।